कैसे हैं सारे जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होने वाली है, सेफ सीजन स्टार्ट हो गया है, जो अर्ली वैरायटीज है वो सारे तैयार हो चुके हैं, तो बस हमारे यहाँ उड़ान हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, बस ये सारी चीज़ें हो रही है। आप लोगों को आज इस व्लॉग में ये सब देखने को मिलेगा और लास्ट में मैंने एप्पल की जो बर्फी तैयार की है वो भी देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए हमारा अर्ली वैरायटी का सीज़न शुरू हो गया हुआ है। हम लोग सेम अर्ली वैरायटी का सेम निकाल रहे हैं। इस साल बारिशों की वजह से बहुत बीमारियां लगी ये सेब में और फसल भी इस साल कम ही है 2020 के को देख के। इस साल 2021 में फसल भी काफ़ी कम है और सीज़न भी थोड़ा लेट हो रहा है इस साल, क्योंकि बेमौसम बर्फ आ गया था। ये काला वैरायटी है, ये शुगर फ्री होता है ये, और खाने में भी और दूसरे सेब से ये वाला सेब बहुत टेस्टी होता है। हम लोग तो यही पसंद करते हैं, यही खाते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। और इसका छिलका बहुत पतला होता है, सफर वैरायटी में तो छिलका बहुत मोटा मोटा होता है, इसका छिलका बिल्कुल पतला होता है। गाइस, ये जो हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है, यहाँ पर ऊपर एप्पल और नीचे खेतों में हमने माँ जो माँ की दाल होती है वो भिजा हुआ है। अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इधर देखिए, फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारे जितने भी खेत हैं सब जगह हमने माँ ही भिजा हुआ है। नमस्कार जी, मैं यहाँ किन्नौर में रहता हूँ, मालिक साहब को घर में रहता हूँ परिवार को साथ। ये अभी और 2001 से लेकर अभी और हो गया 21 साल हो गया यहाँ बैठे बैठे कर। ये किन्नौर को उसमें बगीचे में परा हुआ है, मैं काम करके उसमें पानी पुनी लगाना, तौलिया बनाना, उसको देखभाल करना,
फल फूल नहीं करना, उसको खाद खुद डालना, गाय वस्तु खाद गोबर बनाने, कछुआ बनाने डालने, बांदर बुंदर को देखभाल, जो चीज़ भी यहाँ मालिक को सेवा पानी करके बैठे रहे हो अभी तक यहाँ मेरे परिवार को साथ जी। कम फल कम दिया इस साल में, फल कम देने की वजह से मालिक भी संतोष नहीं है, मैं भी संतोष नहीं है। एप्पल बर्फी बनाने के लिए हमारे को एप्पल चाहिए है। जो एप्पल यूज़ कर रही हूँ ये जो वैरायटी है ये गाला है और इसमें डलेगा ये चीनी और नारियल और घी। बस सिर्फ इतने चीज़ों से ही एप्पल बर्फी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। और फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो गाइस सबसे पहले मैं एप्पल को छील लेती हूँ अच्छे से और इसे हम नारियल की तरह कद्दूकस कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले हम एक बड़ा चम्मच घी लेंगे। तो गाइस घी मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे नारियल। उसके साथ ही हम चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होती इसे अच्छे से भूनेंगे। तो गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल। तो गाइस मैंने फॉर पेपर ले लिया है और अब हम इसमें हल्का सा यहाँ पर घी लगाएंगे इस तरीके से और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो गाइस अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं फ्रिज में रख रही हूँ तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो मैं तब मिलती हूँ उसके बाद। तो गाइस बर्फी बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम कट करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल जो नारियल मार्केट में मिलते हैं वो वाला यूज़ किया है, तरीके से बनाया है और कलर का रहता है वो अपना अपना स्टाइल है, आप ऐड कर सकते हैं फूड कलर भी, बट मुझे नेचुरल ही चाहिए था तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एप्पल तुड़ान हो रहा था। हालांकि मैंने बहुत बार आप लोगों को वीडियो दिखाई, पिछले दो सालों से तो मैं दिखाई रही हूँ किस तरीके से तुड़ान पैकिंग वगैरह, फिर भी आप लोग हमेशा कहते हो कि एप्पल सीजन जब भी आए वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ बर्फी भी शेयर किया है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना जब भी आप लोग ट्राई करते हैं और मुझे मेंशन करना ना भूलना। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।